हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसन का ढोकला बनाएंगे। वैसे तो ढोकला बनाना बहुत ही आसान है, परंतु इसमें कुछ ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। आज मैं इस ट्रिक्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ढोकला बनाना शुरू किया जाए। ढोकला बनाने के लिए एक बाउल में 2 कप बेसन ले लेंगे। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल लेते हैं। यह आधा टुकड़ा नींबू का बीज मैंने निकाल लिया है। अब इसके जूस को इसमें डाल लेते हैं। वन पिंच के बराबर हल्दी डाल लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर ही इसे पहले मिलाएंगे। एक बार में ज़्यादा पानी डाल देने से इसमें गुठलियाँ बन जाएगी, जिस कारण ढोकला अच्छा नहीं बन पाएगा। देखिए बेसन बहुत अच्छा फेट गया है, इसे थोड़ी देर और फेट लेते हैं। इसे ज़्यादा देर फेटने से ही यह स्मूथ बन पाएगा, तभी ढोकला स्पॉन्गी और जालीदार बन पाएगा। अब इसमें 1 कप और पानी डालकर इसे मिला लेंगे। देखिए घोल का टेक्सचर कैसा होना चाहिए। ऐसा टेक्सचर होने से ढोकला जालीदार और स्पॉन्गी बन पाएगा। ये मैं 2 कप बेसन में 1.5 कप के बराबर पानी ली हूँ। अब इसे ढक कर 1/2 घंटा तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब जिस बर्तन में ढोकला बनाएंगे उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल ग्रीस कर लेने से ढोकला इसमें चिपकेगा नहीं और वो आसानी से निकल जाएगा। एक कढ़ाई में पानी गर्म कर उसमें स्टैंड रख लेंगे। अब जो बैटर तैयार की थी उसमें इनो मिला लेंगे। इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने के बाद तुरंत ही पकने के लिए रख देंगे, अन्यथा यह अच्छा नहीं फूल पाएगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तभी ढोकला स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन पाएगा। यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसे ग्रीस किए गए बर्तन में डाल लेंगे। इसे स्पून की सहायता से ऊपर से अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे ताकि ढोकला देखने में अच्छा लगे। अब इसे 1-2 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो हवा भरा है वो निकल जाए, और तुरंत ही इसे गर्म किए गए पानी में रख लेंगे। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा कर इसे 15 मिनट तक पकने देंगे। 15 मिनट हो गया, चलिए अब इसे चेक किया जाए। अब इसे टूथपिक या चाकू की सहायता से चेक कर लेते हैं। देखिए टूथपिक में बैटर नहीं लगा, अर्थात यह पक चुका है। अब इसे बाहर निकाल कर अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे, तभी ढोकला अच्छी तरह से निकल पाएगा। ढोकला ठंडा हो रहा है, तब तक हम लोग इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। गर्म कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाल लेंगे। अब इसे 1 चम्मच के बराबर सरसों डाल लेंगे। सरसों के चटकने के बाद इसमें 8-10 करी पत्ता डाल लेंगे। 3-4 हरी मिर्च डाल लेते हैं। अब इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। हल्का फ्राई हो गया, अब इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी 2 कप के बराबर डालेंगे। अब इसमें 3/4 कप चीनी डाल लेते हैं। ये मैं 1/2 नींबू ली हूँ, इसका सीड निकाल ली हूँ। अब इसके जूस को डाल लेते हैं। अब इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने से यह चाशनी तैयार हो जाएगी। चाशनी तैयार हो गई, अब गैस के फ्लेम को बंद कर लेते हैं। ढोकला भी ठंडा हो गया। इसे चाकू की सहायता से सभी साइड से इस प्रकार हटा लेंगे ताकि ढोकला आसानी से निकल पाए। अब इसके ऊपर 1 प्लेट रखकर इस प्रकार पलट लेंगे। अब इसके ऊपर 2-4 बार इस प्रकार मार लेंगे ताकि ढोकला आसानी से निकल जाए। देखिए ढोकला आसानी से निकल गया, यह कितना अच्छा बना है। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए काटने से ही यह पता चल रहा है कि यह कितना सॉफ्ट बना है। इसे दूसरे साइड से भी काट कर इसका छोटा छोटा पीस तैयार कर लेंगे। देखिए ढोकला का छोटा छोटा पीस तैयार कर ली। देखिए यह कितना जालीदार और सॉफ्ट बना है। अब इसे 1-1 कर प्लेट में सजा लेते हैं।
अब इसके ऊपर जो चाशनी तैयार की थी उसे डाल लेंगे। ढोकला चाशनी से अच्छी तरह से भींग जाना चाहिए, तभी यह टेस्टी लगेगा। देखिए ढोकला कितना अच्छा सॉफ्ट स्पॉन्जी और जालीदार दिख रहा है। इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब हुआ है। इसे आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।